बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। नाजरीन ग्रामी, भारत की आलमगीर रुसवाई का एक और बाब खुल गया। दौलत और गुमराह कुन मंसूबा बंदी के साथ पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश का बांडा भी चुराहे ही फूट गया। भारतीय खुफिया एजेंसी रा की ये मंसूबा बंदी कैसे पाया तकमील तक पहुँचने से पहले ही तबाह हो गई। और भारतीय खुफिया एजेंसी रा का एजेंट जो कि कनाडा में पाकिस्तान के खिलाफ मिशन को पूरा करने में मसरूफ था, कैसे पकड़ा गया, इसकी तफसील हम आपको आगे चलकर बताएंगे। और दूसरी जानब सऊदी अरब को पाकिस्तान की अहमियत का एहसास हो गया है, जो कि एक बड़ी खुशखबरी है। सऊदी अरब ने एक बड़ा और अहम फैसला कर लिया है कि सऊदी अरब को अपना दिफा करना होगा, वो अमेरिका नहीं बल्कि पाकिस्तान करेगा और तुर्क भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन मजीद मौजू की जानब बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले मुअज्जज़ दोस्तों से इल्तमास है कि YouTube के इस मुनफरिद चैनल ऐलान हकीकत को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। नीज हमारी इन काविशों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। आइए नाजरीन, चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानब। खवातीनो हजरात, कनाडा के नशरियाती अदारे ग्लोबल नेटवर्क की एक तहलका हेज रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रा की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मिलकर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कैनेडियन सियासतदानों की राय अपने हक में हमवार करने के लिए दौलत का इस्तेमाल करके जाली मालूमात फैलाई। मौसूल होने वाली खबर के मुताबिक हसास हुकूमती दस्तावेज में इस स्कैंडल का इंकशाफ हुआ कि इस मकसद के लिए भारतीय एजेंसी ने जिस शख्स का इंतखाब किया था वो एक अखबार का एडिटर था। रिपोर्ट के मुताबिक मजकूरा एडिटर की अहलिया और बच्चे कैनेडियन शहरी हैं, जबकि वो खुद भारतीय शहरी है। इसके खिलाफ तहकीकात उस वक्त अमल में आई जब उसने कनाडा में शहरियत के लिए दरख्वास्त दी और कैनेडियन एजेंसियों ने इस शख्स के मुतल्लिक मालूमात जमा करनी शुरू की। बताया गया है कि ये शख्स दरअसल भारतीय खुफिया एजेंसी रा का एजेंट है। इसने कई बार भारतीय खुफिया अदारों के आला हुकाम से मुलाकातें भी की, जिन्होंने इसे टास्क दिया कि वो दौलत और झूठी खबरों के जरिए कैनेडियन सियासतदानों को इस बात पर राजी करे कि कैनेडा से पाकिस्तान जाने वाली तमाम फंडिंग दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। ऐलान हकीकत के दोस्तों, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और दहशतगर्दी के सख्त खिलाफ है। और दूसरी जानब एक अहम इतला ये है कि सऊदी अरब को पाकिस्तान की अहमियत का एहसास हो चुका है। पाकिस्तानी फौज सऊदी अरब के 700 मिलियन डॉलर्स के असासों की हिफाजत कर रही है। एक सीनियर सहाफी ने सऊदी अरब की जानब से पाकिस्तान को कर्ज की वापसी के लिए एक साल की मोहलत देने की वजह बता दी। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना है कि सऊदी अरब को अचानक ये एहसास हुआ कि हमें पाकिस्तान की जरूरत है, जिसके बाद सऊदी हुकूमत ने सऊदीया के दिफा के लिए एक अहम फैसला किया कि सऊदीया का दिफा अमेरिका नहीं बल्कि पाकिस्तान की फौज करेगी और तुर्क भी इसमें शामिल होंगे। अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए, लेकिन अगर वो वक्त आ गया तो पाक फौज लड़ेगी और उस दिन तारीख बदल जाएगी। सऊदी अरब अब पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करेगा, जिससे पाकिस्तानी मईशत पर एक अच्छा असर पड़ेगा। वाज़ह रहे कि सऊदीया ने पाकिस्तान के साथ 20 अरब डॉलर्स के माहदे की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाब साइद अल मालकी ने निजी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता साल दोनों ममालिक के दरमियान 8 माहदों पर दस्तखत हुए थे 20 अरब डॉलर के मंसूबे के हवाले से। तफसील बताते हुए उन्होंने कहा कि 8 अरब डॉलर की लागत से ऑयल रिफाइनरी का क्याम अमल में लाया जाएगा और खेल मेट्रोलॉजी पेट्रोकेमिकल सेक्टर और बिजली की पैदावार तवानाई मुतबादल एनर्जी मादनियात समेत कई दीगर मंसूबों पर दस्तखत हुए थे। और ये तमाम वादे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरा के मौका पर किए गए थे। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों से भी जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह नेगेबान।